तुम्हारा रक्त हमारा रक्त अलग है क्या? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बीते गुरुवार यानी कि 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी सूर्या और बॉबी देओल की मच वेटेड फिल्म कंगवा, जिसने सिनेमाघरों में दो दिन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। फिल्म को रिलीज हुई आज सिनेमाघरों में तीसरा दिन चल रहा है और दोस्तों, अपने ओपनिंग डे पर एक शानदार कलेक्शन करने के बाद फिल्म का दूसरा दिन भी शानदार रहा। और दोस्तों, कहीं ना कहीं आज फिल्म का तीसरा दिन है, यानी कि आप मान के चलिए फिल्म का आज पहला सैटरडे है। और दोस्तों, आज फिल्म के कलेक्शन में एक बार फिर से हमें अच्छा उछाल देखने को मिलेगा और दुनिया भर में ये फिल्म आज पूरी तरह से सुपरहिट रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे कंगवा फिल्म अपने पहले दो दिनों में इंडिया के अंदर तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नाड़ा, मलयालम सभी भाषाओं में टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही, वहीं फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन रहा और आज अपने तीसरे दिन ये फिल्म कितनी कमाई करने वाली है और फिल्म की तीन दिनों की टोटल वर्ल्ड वाइड कमाई कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों, बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप सूर्या और बॉबी देओल को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर बात करें फिल्म कंगवा की तो काफी दिनों से काफी ज्यादा चर्चाओं में थी। फिल्म के मेकर्स पूरी तरह से बने हुए थे और फिल्म का अपडेट लगातार दे रहे थे। फिल्म का प्रमोशन भी बहुत बड़े लेवल पर हुआ है, कम से कम आप मान के चलिए 50 करोड़ रुपए तो सिर्फ फिल्म के प्रमोशन में ही खर्च हो चुके हैं। 300 करोड़ रुपए बजट था फिल्म का और 50 करोड़ प्रमोशन के, तो मान के चलिए कंगवा फिल्म का जो टोटल बजट है वो 350 करोड़ रुपए का है। लेकिन दोस्तों, फिल्म को सुपरहिट होने के लिए एक बड़ी कमाई करनी थी। अपने पहले दिन ये फिल्म अच्छा करने में कामयाब रही, लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म को बहुत ज्यादा निगेटिविटी का सामना करना पड़ा, यानी कि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया दोनों ही जगह पर इस फिल्म को उतना ज्यादा उतना खासा रिस्पांस नहीं मिला जैसा कि उम्मीदें थी। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि कंगवा एक तमिल लैंग्वेज की ईपिक फंटासी बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया था शिवा ने और फिल्म में हमें सूर्या, बॉबी देओल, दिशा पटानी अहम किरदार में नजर आई थी। फिल्म का बजट मैंने आपको बता दिया है कि 300 करोड़ रुपए बजट था फिल्म का, उसके ऊपर से 50 करोड़ प्रमोशन में खर्च हुए और टोटल बजट फिल्म का रहा 350 करोड़ रुपए का। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि ये फिल्म पैन इंडिया रिलीज हुई थी। तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नाड़ा, मलयालम सभी भाषाओं में इस फिल्म को रिलीज किया गया था। अब दोस्तों, ये कल यहां पे फिल्म का तीसरा दिन था, कल फिल्म का दूसरा दिन था। तो कल यहां पे देख लेते हैं नाइट के जो शोज थे वो किस तरह से हाउसफुल थे और किस तरह से नहीं थे। तो अगर मैं बात करूं तमिल 3D की, तो दोस्तों तमिल फिल्म में, तमिल भाषा में ही फिल्म को सबसे ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है, तो तमिल की ही बात करेंगे क्योंकि हिंदी भाषा में भी फिल्म ने वैसे ठीक ठाक कमाई की है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आपने पहले दिन 3,55,00,000 रुपए फिल्म ने कमाए हिंदी भाषा में, तो ये एक शानदार कलेक्शन रहा। दूसरे दिन भी फिल्म ने अच्छा किया और आज तीसरा दिन सैटरडे का है, तो कहीं ना कहीं आज भी फिल्म अच्छा करने वाली है। लेकिन अगर तमिल भाषा की हम बात करें तो कल चेन्नई के अंदर जो नाइट की ऑक्यूपेंसी थी वो लगभग 43% की थी, यानी कि आप मान के चलिए अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी थी। फिल्म के पास 147 शोज थे। बेंगलुरु के अंदर फिल्म की जो नाइट की ऑक्यूपेंसी थी वो 19% की थी, फिल्म के पास 164 शोज थे। मदुरई में फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी थी नाइट की वो 24% की थी, फिल्म के पास 31 शोज थे। इसके अलावा कोयम्बटोर में फिल्म की 42% की ऑक्यूपेंसी थी नाइट की और फिल्म के पास 23 शोज थे। इसके अलावा पौंडीचेरी की अगर हम बात करें तो 49% की थी, फिल्म के पास सिर्फ 10 शोज थे और 10 शोज में आप मान के चलिए 5 शोज ऐसे थे जो पूरी तरह से हाउसफुल थे, कोई भी सीट खाली नहीं थी। लेकिन यहां पे कल, चलिए कल का दिन जो रहा वो तो रहा ही, लेकिन चलिए अब बात करते हैं तीसरे दिन की। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलो दोस्तों, कंगवा फिल्म की जो ऑफिशियल ओपनिंग हुई थी, जो वर्ल्ड वाइड ओपनिंग हुई थी फिल्म कंगवा की, वो हुई थी 58,62,00,000 रुपए। ये ऑफिशियल ओपनिंग थी। फिल्म के मेकर्स की तरफ से जो पोस्टर शेयर किया गया है कंगवा फिल्म की पहले दिन की कमाई का। अब दोस्तों, मैं बात करूंगा फिल्म ने इंडिया के अंदर कितना कलेक्शन किया था। तो अगर इंडिया की हम बात करें तो फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन की तो 24,01,00,000 रुपए की कमाई फिल्म ने अपने फर्स्ट डे पर की सभी भाषाओं में। तमिल भाषा में फिल्म ने कमाई 14,91,00,000 रुपए। तेलुगु भाषा का जो कलेक्शन था वो रहा था 5,50,00,000 रुपए का और हिंदी भाषा से फिल्म ने कमाए थे लगभग 3,55,00,000 रुपए। मलयालम भाषा में फिल्म ने 7,00,000 रुपए की कमाई की थी। कन्नड़ा भाषा में फिल्म ने 3,00,000 रुपए कमाई थी और इस तरह से फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग 24,01,00,000 रुपए की कमाई की। फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन रहा था वो 28,80,00,000 रुपए रहा था। ओवरसीज से फिल्म ने कमाए 29,82,00,000 रुपए, यानी कि इंडिया से ज्यादा ये फिल्म ओवरसीज से करने में कामयाब रही। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि ओवरसीज में इस फिल्म को लगभग 4,000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था, इसी वजह से ओवरसीज से फिल्म तगड़ा कलेक्शन करने में कामयाब रही। और फिल्म की जो वर्ल्ड वाइड ओपनिंग हुई कल परसों
वो हुई थी भैया 58 करोड़ 62 लाख रुपए। अब दोस्तों कल फिल्म का दूसरा दिन था तो इंडिया के अंदर फिल्म के कलेक्शन में काफी गिरावटें हमें देखने को मिली, यानी कि आप मान के चलिए पहले दिन के मुकाबले आधे से भी कम पे आ गई फिल्म। क्यों? मैंने आपको बताया कि फिल्म की बहुत ज्यादा निगेटिविटी हुई थी, फिल्म को उतने ज्यादा अच्छे रिव्यू मिले नहीं थे, तो इसी वजह से फिल्म का जो दूसरे दिन का कलेक्शन रहा वो रहा सिर्फ 11 करोड़ 20 लाख रुपए का। तो इंडिया के अंदर ये फिल्म कर रही है अपने पहले दो दिनों में 35 करोड़ रुपए और फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो लगभग 80 करोड़ रुपया हो जाएगा। और आज फिल्म का तीसरा दिन है तो फिल्म के कलेक्शन में थोड़ा सा उछाल हमें देखने को मिलेगा और आज फिल्म कम से कम 15 करोड़ रुपए करेगी और फिल्म की तीन दिनों की टोटल कमाई 50 करोड़ रुपए के आसपास इंडिया से नेट हो जाएगी। तो वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में 110 करोड़ रुपए कर रही है। कल संडे है, कल के कलेक्शन में भी हमें अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं कंगुआ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर होने की कगार पर है और फिल्म का बजट बहुत बड़ा है और इंडिया के अंदर ही फिल्म तीन दिनों में सिर्फ 50 करोड़ रुपए कर रही है। इतनी बड़ी फिल्म है, इतना बड़ा प्रमोशन किया गया, तो यह वाकई एक बहुत ही मतलब बुरी खबर है फिल्म कंगुआ के लिए। लेकिन दोस्तों फिर भी आपको कैसी लगी थी फिल्म कमेंट में जरूर बताइएगा।